प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नागपुर में महिला कांग्रेस ने संविधान चौक पर आंदोलन किया है। इस दौरान आंदोलनकारी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिलाओं का अपमान करने पर माफी मांगने की मांग की है। संघर्ष करो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ कहने का आरोप महिला कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी की महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देश की सभी महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए उन्होंने देश की सभी बेटियों से और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नागपुर के संविधान चौक पर महिला कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना को लेकर भी जोरदार नारेबाजी की गई। साथ ही बढ़ती महंगाई, बिजली, गैस समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी महिलाएं उपस्थित थी। आज हम ये बोलना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस देश के पंत प्रधान है और पंत प्रधान के शब्द से आज एक वीडियो पूरे भारत वर्ष में वायरल हुआ है, जिस वीडियो में नरेंद्र मोदी के ये शब्द है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। आज पटाओ का मीनिंग का अर्थ आप सब मीडिया वाले हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस देश की बेटियों की क्या गरिमा है। और आज तो आप मान के चलिए कि आज बेटी दिवस है, आज वर्ल्ड बेटी दिवस होने के नाते ये मैं मानती हूँ कि उन्होंने हम सब बेटियों की, पूरी समाज की जो तिरस्कार किया है और इस तरह के शब्द उन्होंने बोले हैं, इसका हम सब महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की कमेटी, शहर कांग्रेस की कमेटी और सारे भारत वर्ष में नेता डिसूजा के सानिध्य में, संध्या ताई सवा लाख के मैडम के सानिध्य में हम सब आंदोलन कर रहे हैं। सर, आज हम लोग पूरी तरीके से उज्ज्वला गैस जो नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को जो लॉन्च किया था इस देश में ताकि हर महिला तक वो पहुँचे, लेकिन ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। सब्सिडी के नाम पे 0% सन्नाटा है। 1000 रुपए के ऊपर अभी रेट पहुंच गया है गैस का। तो आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्यों ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद की गरिमा की बार बार धज्जियां उड़ाते हैं? ना सब्सिडी बची है लोगों के पास में, और गैस के दामों के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। तेल के रेट ने तो हद ही पार कर दी है, 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जबान पर किसी को विश्वास करना चाहिए? मैं देश की युवा हूँ, मुझे तो नरेंद्र मोदी जी की आज की तारीख में किसी भी बात पर विश्वास नहीं। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।